वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बबल एक्सओआर गेट। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सओआर गेट है जिसमें हम दो इनपुट सप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली ए एंड बी। तो अपना आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, वाई इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ये अपना आउटपुट एक्सप्रेशन होता है किसका, एक्सओआर गेट का। इसको कैसे डिनोट करते हैं, वाई इज इक्वल टू ए एक्सओआर विद बी। इज इट क्लियर? तो बबल्ड एक्सओआर गेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने जो देखा उसमें हम क्या कर रहे थे, दोनों इनपुट्स को ए और बी दोनों को नॉट गेट से पास कर रहे थे। जो भी हमने अभी बबल गेट देखे पीछे उन सब में हम क्या कर रहे थे, ए और बी दोनों को नॉट गेट से पास कर रहे थे। लेकिन एक्सओआर गेट, बबल्ड एक्सओआर गेट और बबल्ड एक्सनॉर गेट, इन दोनों में हम किसी एक ही इनपुट को नॉट गेट से पास करेंगे। जैसे देखिए मैंने क्या किया है, ए इनपुट को क्या किया, नॉट गेट से पास कर दिया। ये क्या है अपना नॉट गेट। तो इस नॉट गेट का आउटपुट क्या आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरे इनपुट को डायरेक्टली हम अप्लाई कर देंगे। तो ये दो इनपुट बने किसके लिए, एक्सओआर गेट के लिए। एक इनपुट क्या है ए का कॉम्प्लीमेंट और एक इनपुट क्या है बी। तो अपने एक्सओआर गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, देखिए अपने एक्सओआर गेट का आउटपुट क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। कब, जब हमारा इनपुट ए और बी हो, ठीक है। बट यहां पे एक इनपुट क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, और एक इनपुट क्या है बी। तो अपना वाई क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट था बट यहां पे ए की ही वैल्यू क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा यहां पे, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए। ए क्या है अपना यहाँ पे, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। बात समझ रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे इनपुट जो ए इनपुट लाइन थी ना, वहां पे इनपुट क्या आ रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां ए है ना वहां पे ए का कॉम्प्लीमेंट यूज कीजिए। इसीलिए क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू ए का डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया, और यहाँ पे ए था तो क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। इज इट क्लियर? तो यहां से वाई क्या आ गया, y इज इक्वल टू हो गया a का डबल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, a इंटू बी प्लस a का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ये किसकी आउटपुट एक्सप्रेशन होती है, ये आउटपुट एक्सप्रेशन होती है किसकी, एक्सनॉर गेट की। y इज इक्वल टू a एक्सनॉर विथ b। ये जो आउटपुट एक्सप्रेशन निकली वो किसकी होती है, एक्सनॉर गेट की। मीन्स ये जो अपना सर्किट है वो कैसे वर्क कर रहा है, एक्सनॉर गेट की तरह। अब इस सर्किट का हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो ये रहा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए ए इनपुट लाइन पे क्या है अपना, बबल है, मींस ये क्या डिनोट कर रहा है, नॉट गेट। ए को हमने नॉट गेट में भेजा था ना सबसे पहले ए इनपुट को, तो ये बबल वही रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट गेट। उसके बाद ये बाकी का स्ट्रक्चर किसका है, एक्सओआर का। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बबल्ड एक्सओआर गेट। ये रहा बबल और ये रहा एक्सओआर गेट, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बबल्ड एक्सओआर गेट। तो ये वाई इक्वल टू क्या अभी निकाला हमने देखा था, ए एक्सनॉर विथ बी आता है। तो यहां से मुझे क्या मालूम चला, यहां से दो बातें मालूम चली। पहली कि बबल्ड एक्सओआर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन नॉट गेट एंड वन एक्सओआर गेट। और दूसरी बात, जो एक्सनॉर गेट होता है, एक्सनॉर गेट वो इक्विवेलेंट होता है किसके, बबल्ड एक्सओआर गेट के। मींस कभी आपके पास एक्सनॉर गेट नहीं रहा तो आप बबल्ड एक्सओआर गेट का यूज कर सकते हैं उसकी जगह। दोनों सेम है। चलिए आगे बढ़ते, अब बबल्ड एक्सनॉर गेट देखते हैं हम लोग। ये अपना क्या है, एक्सनॉर गेट है।
जिसमें दो इनपुट्स डायरेक्टली अप्लाई हो रहे हैं ए एंड बी इनपुट। ओके, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटू बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये आउटपुट का एक्सप्रेशन होता है किसके लिए, एक्सनॉर गेट के लिए। अब बबल्ड एक्सनॉर गेट की बात करूं तो क्या करेंगे हम, किसी भी एक इनपुट को नॉट गेट से पास करना है, किसी एक ही इनपुट को, तो मैं ए को पास कर रहा हूं, तो ए इनपुट को मैंने क्या किया, नॉट गेट से पास किया, तो क्या आउटपुट आया, ए का कॉम्प्लीमेंट, और बी इनपुट क्या, मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया। ओके, तो ये जो अपना एक्सनॉर गेट है, ओके, इसमें क्या क्या इनपुट गया, एक तो ए का कॉम्प्लीमेंट इनपुट गया और एक क्या गया, बी इनपुट गया, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, कब, जब अपना इनपुट क्या हो, ए एंड बी हो, पर यहां पे इनपुट क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी, तो यहां पे आउटपुट का एक्सप्रेशन कुछ अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट ओके इंटू बी प्लस ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहां से वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ये किसकी एक्सप्रेशन होती है, यही तो होती है अपनी आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ एक्सऑर गेट, याद है ना, एक्सऑर गेट की आउटपुट एक्सप्रेशन यही तो होती है, ए की कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, मीन्स ए एक्सऑर विथ बी, इज इट क्लियर। ओके, तो इस अब इस सर्किट का हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, हमें क्या मालूम चला, ये सर्किट एक्सॉर गेट की तरह वर्क कर रहा है। अब हम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ये जो ए इनपुट लाइन है, ठीक है, इस पे जो ये बबल दिख रहा है आपको, ये बबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो नॉट गेट मैंने यहां पे यूज किया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस क्या बता रहा है ये, कि जो ए इनपुट है वो पहले नॉट गेट से पास हुई है तब जाके एक्सनॉर गेट में गई है। ओके, ये अपना क्या है, एक्सनॉर गेट, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बबल्ड एक्सनॉर गेट। ओके, ये रहा अपना बबल और ये रहा अपना एक्सनॉर गेट, तो यहां पे आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या निकलता है, ए एक्सॉर विथ बी निकलता है। तो यहां से दो चीजें मालूम चली, कौन कौन सी, पहली चीज कि जो अपना बबल्ड एक्सनॉर गेट होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन नॉट गेट एंड वन एक्सनॉर गेट, और दूसरी चीज जो अपना एक्सॉर गेट होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट टू बबल्ड एक्सनॉर गेट। मीन्स कभी आपके पास एक्सॉर गेट ना रहे तो आप बबल्ड एक्सनॉर गेट का यूज कर सकते हैं। ओके, दोनों आउटपुट सेम ही देंगे, ठीक है। So this is all about bubble XNOR gate. So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon to get the further notification regarding the upcoming videos.